नम आज आप क्या बना रहे हो? हाय, आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। बहुत टेस्टी बनता है और काफी दिन हो गए मैंने कढ़ी नहीं बनाई है, तो मैंने सोचा कि ना आज कढ़ी पकौड़े वाली बनाई जाए। बहुत ही जल्दी भी बन जाती है और ये ना थोड़ा सा जैसे हम लोग ढाबे पे जाते हैं ना, उस तरह की कढ़ी है, बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए देखते हैं लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ना एक कटोरी के जितना ना कर्ड लिया है, लगभग 150 ग्राम के जितना होगा। इसे मैं एक बाउल में डाल दूंगी और ये दही पूरा निकालने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे हम। दही को अच्छे से फेंटना है हमें। तो दही जो है ना, ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है फेंटने में, तो मैं इसमें क्या कर दूंगी, इसमें मैं ऐड करूंगी 3 चम्मच बेसन। तो मैं यहाँ पर 3 जनों की क्वांटिटी के हिसाब से कढ़ी पकौड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ, 3-4 जनों के हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा और घटा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच के जितना डाल दिया है बेसन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को ना हमें अच्छे से फेंटना है, कोई लम्स नहीं होना चाहिए इसमें, और इस ये ना एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए, क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए ना, तब तक इसको फेंटते रहना है। अब साथ में ना इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/2 चम्मच हल्दी, हल्दी पाउडर मैं पहले ही ऐड कर देती हूँ, और साथ में 1/2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो नमक हम बाद में फिर से ऐड करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें वो जो ब्लेंडर होता है ना, हैंड ब्लेंडर, उससे भी चला देते हैं, उससे भी ना कढ़ी एकदम स्मूथ बनती है, एकदम ऐसे क्रीमी सा टेक्सचर, जल्दी बन जाती है। हाँ, जल्दी भी बन जाती है, टाइम नहीं लगता है ना। अभी मैं इसमें ना पानी डाल के उसे साइड में रख दूंगी। तो मैं लगभग 1 लीटर के करीब पानी यूज करूंगी। तो पहले मैं अभी फिलहाल 1/2 लीटर पानी यूज कर रही हूँ, 1/2 लीटर मैं बाद में कढ़ी की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैं ऐड कर दूंगी सरसों का तेल। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज नहीं कर रही हूँ, सरसों के तेल में से बना रही हूँ। सरसों के तेल में कढ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, और मैं आपको बता दूँ जो सरसों का तेल है ये मेरा पहले से ही गर्म करके इस बॉटल में रखा हुआ है, इससे काम जल्दी हो जाते हैं। तो लगभग 1 कड़छी के जितना मैं तेल ऐड कर रही हूँ। तेल को गर्म होने देंगे। तो यहाँ देखिए, तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें ऐड कर दूंगी, मैंने यहाँ पर 5 से 6 कलियां लहसुन की ली थी और बारीक बारीक चॉप कर लिया था, साथ में 1 चम्मच के जितना बारीक कटा हुआ अदरक, और साथ में 3 से 4 मैं हरी मिर्च ली थी उसे भी ऐड कर दूंगी। साथ में यहाँ पर ऐड करूंगी मैं 1/2 चम्मच के जितना जीरा, 1/4 टीस्पून के जितना मेथी दाना, और लगभग करीब 1 चम्मच के जितनी मैं यहाँ पर ऐड करूंगी कसूरी मेथी। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इन्हें भून लेंगे हम। जो हमारा लहसुन है ना वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। तो ये देखिए, लहसुन हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हम इसमें ये बैटर कढ़ी वाला डाल देंगे। थोड़ा सा इस बाउल में फिर से पानी ऐड करूंगी मैं और पूरा बैटर अच्छे से निकाल देंगे, और इस कढ़ी को हाई फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए इसी तरह से हम लोग इसे घुमाते रहेंगे 5 मिनट। इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अगर आपने छोड़ दिया तो दही हमारा जो है फटकर अलग हो जाएगा और बेसन जो है वो अलग सा दिखने लगेगा। तो इसे हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है और 5 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही घुमाते रहूंगी। तो ये देखिए, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं छोड़ा, और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, आया ना क्रीमी टेक्सचर एकदम बढ़िया वाला। तो इसको लो फ्लेम पर दूसरे गैस पर मैं रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरे कढ़ाई ली है जिसमें मैंने तेल रख दिया है पकोड़ों को फ्राई करने के लिए। तो जब तक कि तेल जो है गर्म हो रहा है, हम अपने पकोड़े का बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सेम वही वाला बाउल ले रही हूँ जिसमें मैंने बैटर बनाया था। इसमें वापिस से 4 चम्मच बेसन ऐड कर दूंगी, और साथ में मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च कट करके रखी है, देखिए ऊपर, और 1 प्याज कट करके रखा है। साथ में मैंने यहाँ पर ये देखिए 1 आलू इस तरह से बारीक बारीक कट करके रखा हुआ है। आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/2 चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 टीस्पून के जितना नमक। पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इस तरह से।
क्योंकि आलू के अंदर ना पानी रहता है और जो प्याज होता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी रहता है। अब मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगी, आपको जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा बेसन ऐड और कर सकते हो। तो मैं इसमें 1 चम्मच बेसन और ऐड करूंगी। तो ये देखिए बैटर जो है पकौड़े का बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं अपने हैंड अभी वॉश कर लूंगी और मैं इसे चम्मच से डालने वाली हूँ ऑयल में। तेल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी लो, नहीं तो पकोड़े जो है हमारे ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पकोड़े का बैटर डालती जाऊंगी, छोटे छोटे पकोड़े मुझे बनाने हैं। कुछ लोग पकोड़े के अंदर ना मीठी सोडा ऐड करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मीठी सोडा ऐड मत करें, क्योंकि मीठी सोडा ऐड करने से ना पकोड़े ऑयल पी जाते हैं पूरा। सोडा भी किस लिए ऐड करते हैं? फ्लावर, मतलब पकोड़े में फ्लावर के लिए और थोड़े सॉफ्ट बनाने के लिए। तो अगर आप मीठी सोडा ऐड करोगे ना तो पूरा क्या है ना ऑयल पी जाते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि मीठी सोडा का ऐड मत करो पकोड़े में, स्पेशली पकोड़े के अंदर। इसे अब हम अच्छे से क्रिस्पी होने देते हैं, बाकी के पकोड़े भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूंगी। आपको आपको बीच बीच में कड़ी को भी अपने हिलाते रहना है, ऐसे नहीं कड़ी को छोड़ दो, कड़ी को भी बीच बीच में हिलाते रहना है। और ये देखिए ये अच्छे से ना गाढ़ी होती जा रही है, देख रहे हो आप। और उसके बाद यहाँ देखो मेरे पकौड़े भी बनकर रेडी हो चुके हैं। तो मैं पकौड़ों को एक बाउल में निकाल लूंगी। कहते हैं कुछ भी नहीं डालते हैं आलू प्याज के बिना पकौड़े बनाते, तो मैं बाकी का जो बैटर है ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। तो बाकी के पकौड़े जब तक हमारे फ्राई हो रहे हैं, हमने जो पकौड़े फ्राई करके रखे थे हम उसे इसमें डाल देंगे कड़ी में। तो अब इसे कड़ी के अंदर पकौड़ों को हम 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर लास्ट फाइनल तड़का लगाएंगे। कड़ी को मैं तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने जो पकोड़े भी फ्राई किए थे ना उसी में से मैंने तेल निकाल लिया है, तो लगभग 3-4 चम्मच के जितना ये तेल है। और गैस का फ्लेम मैं ऑन कर दूंगी और उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी हींग। ये देखिए हींग जो ना 1/4 टीस्पून के जितनी हींग ऐड कर देंगे, हींग से ना टेस्ट भी अच्छा आता है और आपको कड़ी ना खराब भी नहीं करेगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 लाल मिर्च साबुत, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है ड्राई वाला करी लीव, आपके पास गीला वाला है तो गीला भी ऐड कर सकते हो हल्का सा तड़के को इस तरह से। तो ये देखिए तड़का रेडी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी लाल मिर्च। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो लाल मिर्च है वो एंड में डालें, नहीं तो लाल मिर्च जल सकती है। और इस कड़ी के ऊपर तड़के को हम डाल देंगे और गैस कर देंगे हम ऑफ। कड़ी देखिए हमारी अभी भी उबल ही रही थी तो मैंने गैस ऑफ कर ली है ऑफ। और अब आप देखिए कड़ी का फाइनल लुक कैसी लग रही है आपको। कड़ी अच्छी लग रही है, नाइस अच्छी लग रही है ना। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं और बहुत टेस्टी बनेगी। आप मिक्स नहीं करना है? नहीं मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम खाएंगे तभी हम मसाले को मिक्स कर देंगे। तो अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे हम हरा वाला धनिया। मैंने एक बाउल में भी कड़ी डाल दी है तो मैं आपको दिखा दूं पकोड़ा जो है सॉफ्ट है या नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनका पकोड़ा सॉफ्ट नहीं बनता, तो ये देखिए मेरा तो आराम से कट हो गया। मैं आपको फिर से कट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए चम्मच गया अंदर और ये देखिए कितना आसानी से सॉफ्ट कट हो गया ना। अच्छा सॉफ्ट है। हाँ, और मैं आपको फिर से हाथ से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बना है पकोड़ा। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना।
बताना, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।